अरे रे रे, ये गांव में किस बात की इतनी सारी तैयारी है? न तो ईद है न दिवाली है, फिर काहे की ये खुशहाली? भाई कैमरामैन जरा जूम तो कीजिए। अच्छा तो ये बात है, चाचा जी को दिल्ली के एम्स में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल गई है। और क्या, 4 महीने 10 धक्के और बस की टिकट में 890 रुपए और ढेर सारा वक्त खर्च करने के बाद इन दूर दराज के गांव वालों को डॉक्टर की एक अपॉइंटमेंट मिल जाए तो जश्न तो मनाएंगे ही। ये लीजिए, आपको मजाक लगता है? खुद ही देख लीजिए अस्पताल जाकर। ये अस्पताल है या मेला? ना ना, इसमें गलती डॉक्टर साहब की नहीं है, ना ही उस नर्स की या उस काउंटर पर बैठे इन जनाब की। ये सब मानो इस भीड़ की बाढ़ में बहे जा रहे हैं। हर कोई अपनी कुव्वत से ज्यादा कर रहा है, फिर भी ये कतारें लगती हैं और हर कोई अपना आपा खोता है। तो चलिए कुछ समझदारी करते हैं, इस रजिस्ट्रेशन की लाइन को ऑनलाइन ले जाते हैं और लीजिए, मिल गई अपॉइंटमेंट बुकिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन स्लिप के प्रिंट आउट तक की तमाम सहूलतें घर बैठे ऑनलाइन। अब खबरदार, जो 44 डिग्री गर्मी में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए घर से बाहर कदम रखा तो न धक्का मुक्की, न कतार और न ही इंतजार। आप घर से सीधे पहुंच गए डॉक्टर साहब के रूम में बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के। अरे यहाँ लैब रिपोर्ट्स लेने के लिए इतनी भीड़ क्यों भाई? मरीज के रिश्तेदार होने की ये सजा है क्या कि एक रिपोर्ट को लेकर घंटों इधर से उधर घूमते रहो? तो उस कागजों वाली रिपोर्ट की रिवायत को अलविदा कहते हुए अब सभी पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स भी रहेंगे ऑनलाइन, और ये गई पेमेंट्स की लाइन भी ऑनलाइन। अरे खून की इमरजेंसी तो अस्पतालों में आए दिन लगी रहती है, पर दुख भरे दिन पीते रहे भैया, क्योंकि अब खून की दस्तयाबी की जानकारी भी मिलेगी ऑनलाइन। अस्पताल का माहौल देखो तो वैसे तो ये सारी छोटी बातें हैं, बड़ी बातें तो होती हैं बड़ी बड़ी मशीन्स, दवाइयां, इंफ्रास्ट्रक्चर। पर भारत सरकार चाहती है कि अस्पताल में अब सिर्फ इलाज की फिक्र हो, अपॉइंटमेंट, रजिस्ट्रेशन, रिपोर्ट्स या रिकॉर्ड्स की नहीं। अगर ये तमाम लाइनें हो जाएं ऑनलाइन तो फिर पूरा अस्पताल लग जाएगा पेशेंट को अच्छी देखभाल और इलाज देने में, क्योंकि अस्पताल का काम है दर्द का इलाज करना, दर्द देना नहीं। तो आपको भी न गुजरना पड़े इस बिन बुलाए दर्द से, इसीलिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर से रजिस्टर करिए www.ors.gov.in पर, या फिर राब्ता कीजिए नजदीकी CSC सेंटर का, क्योंकि कुछ अस्पतालों में शुरू हो चुकी इस सहूलियत को आने वाले सालों में मुल्क के कोने कोने तक ले जाना ही मकसद है भारत सरकार का। इसे कहते हैं डिजिटल इंडिया, जहां जिंदगियां आसान होती है। हमारे मुल्क के सभी सरकारी अस्पतालों को पेपर फ्री, आसान और डिजिटल बनाएगा ई हॉस्पिटल प्रोजेक्ट। मुल्क की सेहत, मुल्क की दौलत।